हरीश बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। वह मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालता था। वह बहुत ही मेहनती लड़का था और वो मजदूरी से हटके कुछ करना चाहता था। उसे कपड़े की सिलाई करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को सिलाई करते हुए बहुत बार देखा था और उसे सिलाई का काम भी अच्छे से आता था। वह अपना बुटीक खोलना चाहता था। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी और कुछ पैसे इकट्ठे करके एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन खरीद ली। शुरुआत में उसे थोड़े बहुत पुराने फटे कपड़ों की सिलाई का काम मिलता था और वो ये काम भी बहुत मेहनत और लगन से करता रहा। कुछ ही दिनों में और पैसे इकट्ठे करके हरीश ने अपना बुटीक भी खोल लिया। लेकिन शुरुआत के दिनों में ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि शुरुआत में लोग नए बुटीक वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर एक दिन उसके पास 4 सूट बनाने का ऑर्डर आया, लेकिन शर्त ये थी कि वह ऑर्डर उसे जल्दी पूरा करना था, जो कि बहुत मुश्किल था। फिर भी हरीश ने बिना परवाह किए ऑर्डर के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास अपना सिक्का जमाने का बस यही मौका था। खाने पीने की परवाह किए बिना वह उस ऑर्डर को पूरा करने में लग गया। काम करते करते उसे सुबह के 4 बज गए। अब भी काफी काम बाकी था, लेकिन वह इतना थक गया था कि उसे नींद आने लगी और वह वहीं पर ही सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि सब कपड़े सिले हुए हैं। वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसे खुशी भी हुई। अरे, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैंने कब कपड़े सिल दिए। शायद मैं ज्यादा थक गया था और गहरी नींद में था, इसलिए भूल गया हूँ। उसने वह कपड़े ग्राहक को दे दिए और ग्राहक भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि हरीश ने अपना काम समय पर करके दिखाया। इस ऑर्डर के बाद सारे शहर में यह बात फैल गई कि हरीश ने बहुत जल्दी ऑर्डर पूरा किया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। बस फिर क्या था, धीरे धीरे हरीश के पास खूब काम आने लगा और बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे और वह खूब पैसे भी कमाने लगा। एक दिन दोपहर में हरीश अपने घर खाना खाने गया हुआ था और जब वह वापस दुकान पर आया तो उसने देखा कि सिलाई मशीन अपने आप ही चल रही है और कपड़े सिल रही है। वह बहुत हैरान हुआ। तभी वहाँ एक गायन प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर हरीश बहुत डर जाता है और डरता हुआ उससे पूछता है, कौन हो तुम और मेरी मशीन के साथ क्या कर रही हो? मैं एक गायन हूँ और ये मेरी मशीन है, मैं इस पर कपड़े सिलती हूँ। तुम क्या सोचते हो, इतने बड़े बड़े ऑर्डर तुमने पूरे किए हैं? ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये सारे ऑर्डर की जल्दी मैंने किए हैं। क्या तुमने ये सारे ऑर्डर पूरे किए हैं? मुझे लग रहा था कि मैं भूल जाता हूँ। हाँ, और अगर तुमको पसंद नहीं तो मैं ये मशीन छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आपका जितना मन करे आप ये मशीन चला सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यूं ही काम करती रहें और समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया करें। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मुझे रोज किसी जानवर का मांस चाहिए। हरीश बहुत खुश होता है और वह मांस के लिए हाँ कर देता है। अब हरीश बहुत खुश था, क्योंकि उसे बिना मेहनत किए खूब पैसे कमाने को मिल रहे थे। अब हरीश ने काम भी करना बंद कर दिया, क्योंकि सारा काम वह डायन कर दिया करती थी। धीरे धीरे हरीश बहुत आलसी हो गया और वह पहले से काफी मोटा भी हो गया था। अब उसका कुछ काम करने को मन नहीं करता था। धीरे धीरे उसने डायन के लिए मांस भी लाना बंद कर दिया। अरे आज मांस कहाँ है, तुम कल भी नहीं लाए थे, पूरे 3 दिन हो गए हैं। अरे मैं तुम्हारा मांस ही लेने गया था, लेकिन आज शहर में बहुत बड़ा उत्सव है, इसलिए सारा मांस वह ले गए, मांस तो बचा ही नहीं।